संजू सीरियस? कहाँ? चिटी हॉस्पिटल? सीरियस, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। संजू, संजू, संजू आंखें खोल, आंखें खोल, मैं तेरी दीदी हूँ। संजू प्लीज, संजू आंखें खोल, मैं तेरी दीदी, प्लीज, प्लीज। कोशिश कर बेटा, प्लीज। कैसा है तू? नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, तुम अकेली कैसे रहोगी? मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जाना तो है। एक दिन अचानक डैडी हमें छोड़कर चले गए, और फिर उसी तरह से माँ। अब तुम्हारा मेरे सिवा और मेरा तुम्हारे सिवा है कौन? तुमने हमेशा मुझे हिम्मत देने के लिए अपने दिल का दर्द, अपनी आंखों के आंसू छुपाए हैं। आज मेरे जाने के बाद ये आंसू बहा देना, शायद दिल हल्का हो जाए। अच्छा, अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। एक तरफ इंसान के बनाए ये कानून, और दूसरी तरफ अल्लाह का दिया ये बूढ़े बाप का एक दिल। या अल्लाह, किस उलझन के इस इम्तिहान में डाल दिया है तूने? बेटी, ये कारतूस की पेटी और ये बंदूक संभालो, मैं नमाज पढ़ के आता हूं।
गई हो क्या? अपने हाथ में कानून को ले रही हो क्या? मुझे, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसका खून कर दिया, उस पापी को मैंने मार दिया। चलिए, कोर्ट का टाइम हो गया। सजाए मौत किसे और क्यों? ये गलत है, सरासर झूठ है, ना इंसाफी है मिलोर्ड। शायद प्रोसिक्यूशन के वकील ये नहीं जानते कि खून जौली का नहीं, आरती वर्मा का हुआ है। और ये खून किया है जौली ने, मैंने, इंस्पेक्टर विजय मल्होत्रा की मां ने, इस समाज ने, हम सब ने। धीरे धीरे बार बार आरती वर्मा का खून किया है मिलोर्ड। आरती का खून उस दिन हुआ था जिस दिन जौली ने उसकी इज्जत पर हमला किया था। आरती का खून उस दिन हुआ जिस दिन मैंने उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया। और आरती का खून फिर हुआ जब विजय की मां ने उसे स्वीकार नहीं किया। और उस दिन भी हुआ जब पहली बार आरती ने अपना सर छुपाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक नाचने वाली के कोठे पे कदम रखा। और मिलोर्ड, आरती का आखिरी बार खून तब हुआ जब उसका अकेला भाई भी मारा गया। खून बार बार, हर बार आरती का ही हुआ है मिलोर्ड। अगर आरती की जिंदगी की सच्चाइयां आपके जज्बात को नहीं छूती तो दे दीजिए आरती को सजा। कानून के दुश्मनों के गंदे हाथों से बार बार की मौत से बेहतर होगा कि यह औरत एक बार कानून के हाथों, कानून की कलम से मारी जाए। That's all, Your Honor. ये अदालत मुलजिमा आरती वर्मा को दफा 300 इंडियन पैनल कोड के तहत नरहत्या के जुर्म में दोषी ठहराती है, लेकिन कातिल करार नहीं करती, क्योंकि ये कत्ल संजीदा हालत में मुलजिमा को बर्दाश्त के हद के बाहर तक उकसाने से किया गया। दफा 308 इंडियन पैनल कोड के तहत 2000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद आरती वर्मा को बाइज्जत बरी किया जाता है। बेटी, बगैर सोचे समझे मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बड़ा दुख दिया है मैंने तुम्हें, इसलिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती, तो तुमसे माफी कैसे मांगू? नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ है। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है, तुम हो मेरी जान, दुनिया से मुझे क्या काम है। मुझे